नमस्कार, सभी का अभिनंदन है आस्तव में। आज हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जयपुर में एक से बढ़कर एक प्रॉपर्टीज़ की वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं, सभी बजट के, लो बजट के, मीडियम बजट के और हाई बजट के। आज की जो प्रॉपर्टी है वो भी बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी है और ये लग्जरी लोकेशन जयपुर में वैशाली नगर के नज़दीक में जो रंगोली गार्डन है, आशियाना और मंगलम का एक हाई राइज प्रोजेक्ट है रंगोली गार्डन, बहुत ही जाना माना नाम है। 1-1 करोड़ के फ्लैट उसमें बेचे जा रहे हैं। तो उसके ही एड जॉइनिंग में उसके जस्ट नियर बाई जो अटैच कॉलोनी है उसके अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं आज 115 गज में बना हुआ सुपर लग्जरी डुप्लेक्स हाउस। ये सेपरेट JDA पट्टे में बनाया गया है, ईस्ट फेसिंग का ये प्रोजेक्ट है और सभी नेशनलाइज बैंकों से लोनेबल प्रॉपर्टी है। इसका जो डायमेंशन है वो 15.5x66 लगभग 115 गज की में बना हुआ है और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। थोड़ा सा फाइनल फिनिशिंग का वर्क इसमें पेंडिंग है, जैसे जो मेन गेट आप लोहे के देख रहे हैं इसमें भी ग्लास वर्क लगना बाकी है। ऑलमोस्ट कंप्लीट है, विद इन ए वीक में ये फाइनल मोड में आ जाएगा। और ये देखिए आप, फुल साइज कार पार्किंग, ये जो गेट है ये भी कंप्लीट फुल साइज़ आयरन के गेट है, मज़बूत बनाए हुए हैं। और ये जो है आप देख रहे हैं कंप्लीट पार्किंग एरिया है जहां आप अपनी 2 कार आराम से पार्क कर सकते हैं। ये इतना बड़ा पार्किंग एरिया है कि इसमें आप आराम से 2 कार पार्क कर सकते हैं, सफिशेंट साइज़ में ये पार्किंग है। और इसमें वाटर टैंक का प्रावधान भी है और वाटर टैंक के साथ साथ इसमें अगर आप देखते हैं तो मार्बल की टुकड़ी लगाई गई है। ये मेन गेट की रेलिंग और ग्लास का वर्क आप देखिए, और उधर किचन का प्रॉपर वेंटिलेशन है जिसमें सिलेंडर बाहर रखने की व्यवस्था भी है। अगर आप गैस सिलेंडर को पार्किंग एरिया से बाहर रखना चाहें, किचन से बाहर रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब ये देखिए दोबारा पार्किंग, डिसेंट साइज फुल साइज पार्किंग, और इसमें मीटर का प्रावधान, मीटर के बॉक्स का प्रावधान भी है जो भी आपने देखा था। ये देखिए अब इधर जो है ये गैस सिलेंडर लगाने के लिए एक ऑप्शन छोड़ा गया है, यहाँ पे आप अपना गैस सिलेंडर बाहर लगा सकते हैं। और ये किचन का एक प्रॉपर वेंटिलेशन है जहाँ चिमनी का आउट और रेलिंग्स और विंडो का प्रावधान आपको दिख रहा होगा। अब हम इसकी एंट्री में आपको दिखाते हैं सबसे पहले इसका ड्राइंग एरिया। ये इस एक्चुअली इसमें डाइनिंग और ड्राइंग को एक सेपरेट किया हुआ है। ये इसका देखिए बहुत ही बढ़िया वर्क के साथ ड्राइंग एरिया जिसमें शानदार लाइट और POP का वर्क किया गया है और बहुत ही स्टाइलिश ब्रांडेड फ़ैन भी इसमें लगाया गया है जैसे आपको दिख रहा होगा। और ये जो है ये वुडन में बहुत ही स्टाइलिश पार्टीशन किया गया है जाली के वर्क के साथ, ये भी बहुत बेहतरीन लुक दे रहा है वाइट और ब्लैक डेस्क के साथ। ये आप कोई भी इसमें तस्वीर या कोई भी बढ़िया सी सुनहरी लगा सकते हैं। और ये जो है इसमें लाइट भी ऑन होती है। ये मेन एंट्रेंस एक बार आप दोबारा देख लीजिए, बढ़िया एंट्रेंस है। और अब हम आपको दिखाते हैं इसका डाइनिंग एरिया, ये जो सेकंड पार्ट है हॉल का, देखिए बहुत ही प्यारा वर्क इसमें किया गया है और वुडन में शोकेस के साथ LED लाइट का बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, बढ़िया सुंदर सा वॉलपेपर और बढ़िया सी लाइट्स, LED लाइट लैंप का बहुत बेहतरीन वर्क। और ये देखिए आप, बहुत ही बढ़िया वुडन में शोकेस, ये लाइट और फोर सीलिंग का हॉल में बहुत बेहतरीन वर्क किया हुआ है। जीना इसमें बाहर से दिया, सॉरी जीना इसमें अंदर से दिया हुआ है और 3BHK पैटर्न में ये बना हुआ है, मतलब एक बेडरूम इसमें नीचे है, 2 बेडरूम इसमें ऊपर है। और ये अगर आप देखते हैं तो स्टेयर्स में नीचे कबर्ड और बॉक्सेस और वॉश बेसिन एरिया, और ये मज़बूत लकड़ी के फ्रेम के साथ एक LED पैनल जहां आप बड़े से बड़ा LED TV लगा सकते हैं। ये है स्टोरेज के लिए प्रॉपर व्यवस्था और ये है वॉश बेसिन और ग्लास, बहुत ही सुंदर स्पेशियस। और ये जो देख रहे हैं आप, ये प्रॉपर स्टोरेज है जहां आप कोई भी अपना एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं, जैसे इन्वर्टर हो गया या गैस सिलेंडर या कोई भी एक्स्ट्रा सामान इस स्टोरेज का यूज़ करके आप रख सकते हैं।
और ये जो आप सामने देख रहे हैं किचन है, बहुत ही बेहतरीन साइज़ में किचन बनाया हुआ है, काम भी बहुत बढ़िया किया हुआ है। किचन के एंट्रेंस के बाहर अगर आप देखते हैं तो जाली और वुडन का बढ़िया वर्क है। किचन के अंदर फ्रीज रखने की एक सेपरेट जगह बनाई हुई है। एक बार लाइट ऑन करके किचन के बाहर एक बार जो लाइट है वो देख लीजिए। हाँ, ये आ गए हैं हम इसके किचन में। यहाँ फ्रीज रखने के साथ साथ प्रॉपर स्टोरेज और कपबोर्ड लगाए गए हैं, वेंटिलेशन प्रॉपर है और जो मार्बल है वो भी बहुत बढ़िया ब्लैक ड्रेसिंग के साथ इसमें लगाया गया है। और ये है सिंक एरिया, ये कबर्ड्स अच्छी साइज़ के कबर्ड है, स्टोरेज है प्रॉपर। और इसमें सारे जो रेलिंग्स है सब सॉफ्ट क्लोज़र के साथ है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए सॉफ्ट क्लोज़र के साथ पूरे इसके रैक्स हैं जहाँ आप किचन से संबंधित सारे सामान रख सकते हैं। और अब हम आपको इसका दिखाते हैं बेडरूम और कॉमन बाथरूम। बहुत ही बढ़िया साइज़ में ये कॉमन बाथरूम और बेडरूम बनाए गए हैं। एक बार आप दोबारा हॉल में लगे हुए एलईडी पैनल और अदर वर्क को आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत वर्क किया गया है। ये आ गया है इसका कॉमन बाथरूम। कॉमन बाथरूम के बाहर और बेडरूम से पहले एक बढ़िया शोकेस तैयार किया गया है एलईडी लाइट के साथ, जो बहुत ही अच्छा व्यू दे रहा है। और ये आ गया है इसका कॉमन बाथरूम जिसमें वेस्टर्न सीट लगाई गई है और बेकायदा एक टेबल टॉप वॉश बेसिन जिसमें। और अगर आप देखते हैं फिटिंग तो ग्रोई नाम की कंपनी है, टॉप क्लास कंपनी है। जितने भी मिक्सर और जो आपके इक्विपमेंट्स है नल के और बाथरूम के, वो सब टॉप क्लास कंपनी के इसमें लगाए गए हैं। और अब हम इसके आ जाते हैं फर्स्ट बेडरूम में। ये बेडरूम बहुत ही बड़ी साइज़ में, डिसेंट साइज़ में बेडरूम बनाया हुआ है, अच्छी साइज़ है। वॉलपेपर और फोर सीलिंग का बहुत बेहतरीन वर्क और ब्रांडेड फैन लगाए गए हैं इसमें। और स्टोरेज के लिए अगर आप देखते हैं तो कबर्ड है, बहुत ही बढ़िया वुडन कबर्ड इसमें लगाए बना हुआ है। एक डिसेंट साइज़ का, बढ़िया साइज़ का बेडरूम है। सभी देखने वालों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। हम जयपुर में सभी एरिया में करीब करीब सभी बजट के वीडियोस लाने वाले हैं। ये आ जाता है इसका बैकयार्ड एरिया। ये अगर आप गेट की क्वालिटी देखना चाहें तो बढ़िया मजबूत वुडन में गेट बनाए हुए हैं। और ये आ गया इसका बैकयार्ड एरिया। मैं आपको इसकी लोकेशन के बारे में अगर बताऊँ तो जो पीछे जाली लगी हुई है वो है रंगोली ग्रीन, जो जाना माना प्रोजेक्ट है महाराणा प्रताप मार्ग पर, जो वैशाली नगर वेस्ट पे पड़ता है, अंडर अजमेर दिल्ली बाईपास से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ये प्रोजेक्ट है। और एड जोनिंग में ही ये डुप्लेक्स बने हुए हैं। और ये वेंटिलेशन देखिए, ये विला एक ऐसा विला है जिसमें आगे भी वेंटिलेशन है, पीछे भी वेंटिलेशन है, मतलब क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। और यहाँ जैसे कूलर या अगर आप कोई भी मान लो वॉश मशीन वगैरह या वॉशिंग मशीन वगैरह यूज़ करना चाहें तो उसमें बहुत काफ़ी बड़ी जगह है बालकनी में, बैक एरिया काफ़ी बड़ा है। ये बेडरूम से होते हुए हम आपको दोबारा एक बार दिखा देते हैं और इसके बाद हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर में बने हुए दोनों बेडरूम और दोनों बाथरूम भी आपको दिखाते हैं। और उसके साथ साथ इसमें जो छत पे भी जो एक पूरा वर्क है या जो एक प्रॉपर एक रूम जैसा घुमटी बना हुआ वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। इसमें जो SS की जो रेलिंग है वो भी बहुत ही चौकोर, मतलब स्क्वायर के अंदर बनाई हुई है और मार्बल का बढ़िया वर्क है। SS की मजबूत रेलिंग की इसकी वर्क आपको दिख रही होगी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही लग्जरी डुप्लेक्स है, सेमी फर्निश मॉडल में ये है और JD अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है। ये आ गए हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे हॉल में। हॉल में भी बहुत ही बढ़िया फोर सीलिंग और वॉलपेपर लाइट का बहुत बेहतरीन वर्क और डिसेंट साइज़ है। ये अगर आप देखते हैं तो व्यू, सीढ़ियों का व्यू देखो ऐसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ से ही छत पे जाने का प्रावधान है, जो इसका पूरा जो छत का जो वीडियो है ऊपर वाले फ्लोर का और झूमर का और छत का, वो भी मैं आपको अभी पूरा विला दिखाने के साथ साथ आपको दिखा दूंगा। वीडियो के साथ बने रहें। अब आपको दिखाते हैं सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम के अंदर भी बहुत बढ़िया वर्क, एंट्रेंस भी देखिए आप, वुडन का बहुत शानदार वर्क LED लाइट के साथ, जो नाइट में अगर आप देखते हैं तो बहुत ही प्यारा व्यू देता है। इसकी ऑलमोस्ट 10% 5% जो फिनिशिंग है बाकी है,
ये बहुत ही जल्दी करके दे दी जाएगी। वैसे ऑलमोस्ट कंप्लीट है, वॉलपेपर, फोर सीलिंग, बढ़िया वर्क। और ये आ जाता है इसका अटैच बाथरूम। इस डुप्लेक्स में तीन बेडरूम हैं, तीन बाथरूम हैं और डिसेंट साइज़ में है। ये भी वेस्टर्न सीट के साथ मिल जाता है और पूरी फुल साइज़ फुल हाइट तक इसमें टाइल लगाई हुई है। ऑलमोस्ट सभी में ही फुल हाइट तक टाइल लगाई हुई है और टॉप क्लास की सारी सैनिटरी यूज़ की हुई है। ग्रोई और सभी ब्रांडेड फिटिंग इसमें है। और इसमें बेडरूम में अगर आप देखते तो एलईडी पैनल भी है। सभी बेडरूम में एलईडी पैनल लगा के दिए जा रहे हैं और वो भी बढ़िया साइज़ में और बढ़िया वुडन वर्क के साथ। ये बहुत अच्छी बात है। और बेडरूम इसमें एलईडी पैनल के साथ साथ इसमें वुडन में वार्डरोब भी बना के दी जा रही है तीनों बेडरूम में। ये भी बहुत कम देखने को मिलती है। ये देखिए ब्रांडेड फैन। अच्छी प्रॉपर्टी है, लग्जरी प्रॉपर्टी है। और इसकी अगर बजट की बात करते हैं तो मैं आपको इसकी आस्किंग प्राइस भी बता देता हूँ। 82 लाख रुपए इसकी आस्किंग प्राइस है, 82 लाख रुपए इसकी आस्किंग प्राइस है, जो थोड़ी बहुत नेगोशिएबल है। आप अगर ये विला विजिट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मैं बिल्डर के प्रतिनिधि के नंबर आपको डिटेल में मेंशन कर रहा हूँ, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं और ये विला विजिट कर सकते हैं। एक बार दोबारा देखिए, फर्स्ट फ्लोर की बैक बालकनी से जो रंगोली ग्रीन है उसका नज़ारा, यहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन हमेशा मिलता रहेगा, कभी पीछे कुछ बनेगा नहीं। जी हम दोबारा आ गए हैं इसके हॉल में, सॉरी इसके बेडरूम में, जो फर्स्ट फ्लोर पे है बैक साइड में। इसमें से होते हुए मैं आपको हॉल में से होते हुए इसका जो फ्रंट साइड का जो बेडरूम है वो भी दिखा देता हूँ। एक बार आप वीडियो के साथ बने रहें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि जो लोग इस तरह का मकान या डुप्लेक्स ढूंढ रहे हैं उन तक ये पहुँच सके और उसमें से ये विजिट कर सकें और उसके लिए ख़रीद सकें। 115 गज़ में बना हुआ है, सेपरेट JDA पट्टा है, SBI लोनेबल प्रॉपर्टी है। ये सेकंड बेडरूम, थर्ड बेडरूम के बाहर भी अगर आप देखते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त वुडन में LED लाइट के साथ शोकेश, जो बहुत ही लग्जरियस लुक दे रहा है। अब आ चुके हैं हम लोग इसके थर्ड बेडरूम में, जो फ्रंट साइड में है। इसमें भी बढ़िया LED पैनल, जाली के नेटवर्क के साथ, फोर सीलिंग, ब्रांडेड फैन, वॉलपेपर, बहुत ही बिग साइज़ में ये बेडरूम है, अच्छा बना हुआ है, प्रॉपर वेंटिलेशन है और इसमें अटैच बाथरूम भी बनाया हुआ है। अटैच बाथरूम के साथ साथ इसमें फुल साइज़ में वुडन वार्डरोब्स के साथ साथ ड्रेसिंग का प्रावधान भी है। इसको आप मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ साथ सारी फैसिलिटीज़ में हैं। ये देखिए आप, ये जो है वुडन वार्डरोब्स है, इसमें डबल पल्ले के साथ है, दो पार्टीशन है इसमें, बहुत ही बड़ी साइज़ है। और वार्डरोब के साथ साथ में एक ड्रेसिंग का प्रावधान भी है, जिसमें नीचे पूरा स्टोरेज है और बढ़िया फुल साइज़ ग्लास लगा के दिया जा रहा है। और अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ अटैच बाथरूम। ये इसका अटैच बाथरूम है, ये भी डिसेंट साइज़ में है, बढ़िया साइज़ में है। इसमें भी वही वेस्टर्न सीट और टेबल टॉप के साथ वॉश बेसिन, फुल हाइट तक टाइल्स, वेंटिलेशन, सभी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती है जो रिक्वायर्ड होती है। थोड़ी सी इसकी क्लीनिंग बाकी है, 2-3 दिन में इसकी क्लीनिंग हो जाएगी। कुछ सामान वगैरह बाकी है, वो अभी थोड़े दिन में क्लियर हो जाएंगे। जयपुर शहर में वैशाली नगर के नज़दीक, वैशाली नगर और गांधीपति यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। महाराणा प्रताप मार्ग बहुत जानी मानी लोकेशन है और रंगोली गार्डन वैसे भी सब जानते हैं। ये आ जाते हैं इसके हम फ्रंट बालकनी में। फ्रंट बालकनी बहुत ही बड़ी साइज़ में है, यहाँ पे ग्लास वर्क थोड़ा बाकी है, ये भी लग जाएगा। और इसमें देखते हैं तो वुडन टेक्सचर में फोर सीलिंग का वर्क भी किया हुआ है। यहाँ पे एक लाइट शोकेस के लिए लगाई जाएगी। और सामने अगर आप देखते हैं तो लोकेलिटी बहुत ही अच्छी लोकेलिटी है, पूरी बसावट है। इसके अंदर जो है 30 फिट का ये रोड है, डायरेक्ट 50 मीटर की दूरी पर महाराणा प्रताप से कनेक्टेड है। ये नीचे से देख लीजिए आप, पार्किंग एरिया यहाँ से दिख रहा है। और ये सामने की जो लोकेलिटी है वो भी अच्छी लोकेलिटी है। अब मैं आपको इसके साथ साथ दिखा देता हूँ इसके छत पर जाने के, छत पर किस तरह का वर्क है, क्या क्या दिख रहा है। ये छत वाला रास्ता है जो फर्स्ट फ्लोर से ही जा रहा है। और अगर आप इसमें देखते हैं तो बढ़िया झूमर के साथ साथ एक जो ममटी जिसको बोलते हैं, तो ये देखिए स्टेयर्स। हाँ, ये ममटी मैं भी आपको दिखाऊँगा और झूमर को चला के भी दिखाऊँगा। नाइट में बहुत अच्छा व्यू देता है,
और यहाँ अगर आप बैठ के बारिश का समय में हो, या मान लो वैसे भी दोनों साइड देखिए, दो साइड गेट दिए हुए हैं और ये ममटी बनाई हुई है। ममटी को प्रॉपर थोड़ा बड़ी साइज में बनाया हुआ है ताकि यहाँ पे आप बैठ भी सकते हो, चेयर लगा के सोफे लगा के आप बैठ भी सकते हो। ये देखिए आप, मैंने झूमर को ऑन किया है, लाइट को बहुत ही बढ़िया झूमर इसमें लगाया हुआ है पीओपी वर्क के साथ, जो बहुत अच्छा व्यू दे रहा है। और ये देखिए आप, स्टेयर्स के साथ साथ छत के दो पार्ट हो गए एक्चुअली, ममटी के एक पार्ट आगे हो गया, एक पार्ट पीछे हो गया। ये वह है जो ये आगे वाला पार्ट है, जो आगे वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, और इसी के साथ साथ मैं आपको इसको पीछे वाला पार्ट भी दिखा देता हूँ, जहाँ से रंगोली गार्डन, रंगोली ग्रीन आपको साफ नज़र आएगा। एडजॉइनिंग प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली। ये देखिए आप, ये है इसका पीछे वाला, छत के दो पार्ट हो गए हैं, ये रंगोली ग्रीन जस्ट एडजॉइनिंग। सभी का धन्यवाद वीडियो लंबा देखने के लिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन सारे डिटेल बताना ज़रूरी है। आप चैनल के साथ बने रहें, सभी का धन्यवाद।